गाइस एक बार फिर से स्वागत है हीरो हैकर में। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो पेटीएम का केवाईसी जो है कैसे करें। गाइस इस वीडियो को मतलब कि आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो केवाईसी का प्रॉब्लम है ये मतलब हर स्टेट में है। तो ये जो वीडियो है किसी किसी स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप जैसे कि मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, अगर वेस्ट बंगाल में केवाईसी मतलब नहीं होता, कोई सा भी कोशिश कर लो तो आपकी केवाईसी मतलब नहीं होने वाला। अगर केवाईसी के बारे में और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मेरे पास सब कुछ का जानकारी मतलब कि होता है। अगर आप लोग बाहर के होते हो तो मतलब कि आपका जो केवाईसी वो पॉसिबल होता है। तो कैसे होता है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस इसका बाद एक और वीडियो आएगा, मैं केवाईसी के बारे में दो वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को बस थोड़ा सा देख लो, अगर ये आप लोगों का प्रोसेस सक्सेस हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तब भी एक और ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पेटीएम को ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर से जो मेरा जो ये देखो केवाईसी जो है सक्सेसफुल है। अगर आप तरह किस तरह के सक्सेसफुल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं बहुत सारा केवाईसी जो मतलब कि यहाँ पर से करके रखा हूँ। ओके गाइस यहाँ पर से देखो ये जो है मेरा मिनी केवाईसी, तो कोई सा भी मतलब कि डॉट नहीं है। तो आप लोगों को सिंपली केवाईसी करने के लिए क्या करना होगा, तो बहुत सारा भाई लोग मुझे कॉमेंट कर रहा था कि पेटीएम का केवाईसी कैसे करें, तो आप लोगों को मैं यही बताऊँगा जो कि पेटीएम का केवाईसी कैसे करें। तो वीडियो को बिना किसी मतलब स्किप करते हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो गाइस सबसे पहले आपको पेटीएम के अकाउंट मतलब खोल लेना होगा। जैसे पेटीएम अकाउंट ऐसे खोल लें, ना ही मिनी केवाईसी होगा ना ही कुछ होगा, आप लोग कुछ ही नहीं होगा। ओके गाइस तो सिंपली क्या क्या करना होगा मैं आप लोगों को मैं बता दूंगा। अगर कोई सा भी जाके अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे पेटीएम केवाईसी तो एरर आ जाएगा। ओके गाइस तो गूगल से कुछ नहीं होने वाला, तो सिंपली आपको सिंपली थ्री डॉट में क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ पर से देखो यहाँ पर से एक हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है। ओके गाइस तो आप लोग सिंपली हेल्प में क्लिक कर देना होगा। जैसे हेल्प में क्लिक करोगे ऐसा कुछ वगैरह वगैरह आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पर से मोर एंड फोर्स जो सर्विस है यहाँ पर से आ जाना होगा। जैसे कि आएगा यहाँ पर से तो बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम अगर किसके साथ आपके प्रॉब्लम्स है उस तरह के टाइप आप लोगों को कॉल लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर से देख सकते हो प्रोफाइल प्रोफाइल एंड केवाईसी गाइस आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है आपको क्या करना होगा, मिनी केवाईसी फुल केवाईसी वगैरह वगैरह। तो आप जिस तरह से मतलब करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर से देखो सिंपली यहाँ पर से आई अनेबल टू के लोकेट केवाईसी आइकॉन प्लीज केवाईसी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर से मैं केवाईसी जो रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ। जैसे कि ये जो कैसे कैसे होता काम करता है मैं सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि ये है वेस्ट बंगाल स्टेट मतलब कि बंगाल का, अगर किसी अलग से स्टेट जैसे कि हरियाणा का, तो सब लोगों को रिक्वेस्ट भेजना होगा। अगर यहाँ पर से है सारा इंडिया का यूज़र्स। ओके गाइस तो केवाईसी कैसे स्टार्ट होता है, और अभी जो केवाईसी अगर कोई भी करोगे तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन नहीं होगा, तो मतलब रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल का 10,000 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा केवाईसी मतलब कि उसका नहीं हो रहा। ओके गाइस एंड हरियाणा से मतलब कि ये तो 10,000 भेजे, यहाँ से अगर 50,000 लोग भेज दें तो पेटीएम वालों ने क्या करेगा, देख लेगा कि हरियाणा स्टेट से जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो हरियाणा स्टेट का जो केवाईसी मतलब कि चालू करना ही होगा। तो इस तरह से अगर आप मतलब कि मेरे बात सुन के अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज भेजोगे तो वो लोग पेटीएम केवाईसी मतलब स्टार्ट कर देगा किसी किसी स्टेट में। ऐसा नहीं है क्या पेटीएम केवाईसी बहुत सारा लोगों का नहीं हुआ, मिलियन यूज़र का अभी तक बाकी हुए है। तो कई सारी तो एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन एक एक करके एक एक स्टेट में मतलब कि स्टार्ट हो गया। ऐसे करके कोई सा भी अगर केवाईसी स्टार्ट हो तो आप लोगों को मतलब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर से देखो आई वॉन्ट फुल केवाईसी। ओके गाइस आई वॉन्ट टू, अगर आप मतलब कि अपने घर में केवाईसी करना चाहते हो तो सिंपली इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर से देखो बहुत सारा ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगा। ओके गाइस तो सिंपली यहाँ पर से देखो यहाँ पर से आपको यहाँ पर से गो टू पेटीएम होम में क्लिक कर देना होगा। सॉरी गाइस वहाँ पर से नहीं गाइस आप लोगों को ऊपर में नहीं, यहाँ पर नीच में लोकट केवाईसी सेंटर, अगर आप केवाईसी सेंटर देखना चाहते हो तो यहाँ पर से मतलब कि कम कर सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर से आप लोगों को सिंपली पेटीएम कम्युनिटी गया ऐसे मतलब कि सर्च कर देना होगा। यहाँ पर से बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, और हेल्प एंड फीडबैक में क्लिक करके उन लोगों को फीडबैक भी भेज सकते हो। लेकिन गाइस मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग पहले रिक्वेस्ट भेजा हुआ होगा, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर से देखो लोकेशन से नियर अबाउट सेंटर्स में आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो किस मतलब केवाईसी पॉइंट कहाँ है। तो सबसे पहले बस स्टेट आप लोगों को स्टेट कहाँ पर से, ओके गाइस तो यहाँ पर से स्टेट मेरा जो है वेस्ट बंगाल है। अगर आपके पास किसी और सा स्टेट है गाइस यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना प्लीज़। ओके गाइस सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर से देखो किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है बैंकुड़ा है, तो बैंकुड़ा में अभी केवाईसी नहीं चल रहा है। वेस्ट बंगाल में किस किस जगह में केवाईसी चल रहा है, उत्तर दिनाजपुर में हो रहा है, साउथ परगना में हो रहा है, नॉर्थ 24 परगना में हो रहा है, नदिया में हो रहा है,
ऐसे ऐसे करके एक और मतलब स्टेट का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, या फिर तो उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट कर लो, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ हो रहा है इसी सब जगह में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर से वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल दे दें, अगर मैं हूँ नोदिया से तो नोदिया सेलेक्ट कर दें, नोदिया में किस किस जगह से KYC सेंटर है आप लोग देख सकते हो, सिर्फ उसी जगह में ही गाइस KYC होगा, आधार मतलब कि किसी में भी नहीं होगा। ये जो पेटीएम यूज़र हो इन लोगों को मतलब कि पेटीएम मतलब कि KYC करने का परमिशन फुल दे दिया है, और सिर्फ इन लोगों के पास, ये 3 या 4 लोग हैं, इस 4 लोगों के पास आप लोगों का जो है पेटीएम KYC होगा, नहीं तो गाइस और नहीं होगा। आप यहाँ पर से उसका सब कुछ मतलब देख सकते हो, कहाँ से विलेज है, कहाँ से रहना है, कहाँ से करना है, एंड गाइस उसमें जाके KYC कर सकते हो, आधार कोई आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता KYC। अगर आप यूट्यूब में किसी का भी वीडियो देखते हो तो सब कुछ फॉल्स है, सब बोलते हैं कि मैसेज भेजो, ये भेजो, वो भेजो, कुछ नहीं होगा, सिंपली KYC स्टार्ट हो गया है। और गाइस ऐसे करके आपको आप देख लेना है आपका डिस्ट्रिक्ट में जो है KYC हो रहा है या नहीं, अगर गाइस नहीं है तो आप घबराइए मत, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। आने के लिए क्या करना होगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा गाइस, मुझे कमेंट करो गाइस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना गाइस, फिर मिलेंगे अगर वीडियो के साथ, तब तक बने रहना हीरो हैकर में।